एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्टार्ट कर दिया हमने डे 8 का 30 डेज वेट लॉस चैलेंज। सो आज है हमारा डे 8 एंड स्टार्ट कर दिया स्ट्रेचिंग। आज मैंने स्ट्रेचिंग भी थोड़ी डिफरेंट करी है गाइज, जिससे कि आप लोग ये ना सोचे कि मैं डेली जो है मैं एक एक्सरसाइजेस दिखा रही हूँ। एंड आज मैंने कुछ न्यू एक्सरसाइजेस भी जो है इंक्लूड करी है। वैसे तो गाइज देखो, मैं आपको जो भी एक्सरसाइजेस दिखाती हूँ वो 21 से 22 एक्सरसाइजेस हैं 22 के बीच में। यस गाइज, एंड डिफरेंट जो है एक्सरसाइजेस मैं आपको इसीलिए दिखाती हूँ जैसे कि आप लोग भी ये ना सोचें कि मैं डेली एक जैसे दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इस वजह से जो है मैंने आज कुछ न्यू एक्सरसाइजेस एड ऑन करी हैं। एंड वैसे तो देखो गाइज, जो मैं एक्सरसाइज दिखा रही हूँ 20-21 से बहुत होती हैं आपके फुल बॉडी फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए, ठीक है। जिसकी मैं जो है 2 सेट्स लगा रही हूँ। पहले मैं स्टार्टिंग में 1 सेट लगाती थी 10-15 रेपिटेशन के, अब मैं जो है 2 सेट्स लगा रही हूँ 15-20 रेपिटेशन, मतलब मैक्सिमम मैं 20 रेपिटेशन्स करती ही हूँ गाइज। धीरे धीरे आप अपने सेट्स इंक्रीज करो एंड साथ साथ रेपिटेशन्स इंक्रीज करो, उससे क्या होगा कि आपको फिर हैबिट हो जाएगी ज़्यादा वर्कआउट करने की एंड आपकी बॉडी भी अलाउ करेगी। सो यस गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने वर्कआउट स्टार्ट करा था अप्रैल स्टार्टिंग से, डेली लास्ट ईयर अगस्त 2022 में मेरी डिलीवरी हुई थी। एंड उसके बाद मैंने 8-9 मंथ्स जो अच्छे से अपनी बॉडी को रेस्ट दिया। एंड अप्रैल स्टार्टिंग में 2023 में मैंने वर्कआउट करा एंड आज अगस्त है, मतलब ये अगस्त चल रहा है, अगस्त भी ख़त्म होने की बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे है। तो अभी तक जो है मेरा 5 मंथ में मैंने 13 केजीज वेट लॉस कर लिया है, 76 से 63। एंड जो मेरा टारगेट है, जो मेरा एम है, वो मुझे 59-60 करना है गाइज। सो पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ गाइज, 100 में से 70% आपकी डाइट जो है मेजर रोल प्ले करती है आपके वेट लॉस में एंड 30% आपका वर्कआउट होता है। वर्कआउट मेनली हम इसलिए करते हैं जैसे हमारी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहे, हमारी बॉडी स्ट्रेचेबल रहे, हमारे जो हैं बोन्स स्ट्रांग रहे, हमारा जो डिप्रेशन के कुछ पेशेंट्स होते हैं वो उनको रिलीफ रहे इस चीज़ से, सर्वाइकल से रिलीफ रहे, बहुत सारी चीज़ें होती है वर्कआउट के लिए। सिर्फ एक वेट लॉस के लिए ही हम नहीं वर्कआउट करते हैं। सो यस गाइज, एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरा व्लॉग जो है 29 को आएगा एंड उसके बाद जो है मैंने 2 दिन जो है वर्कआउट नहीं करा है। 30 एंड 31 को मैंने जो है वर्कआउट नहीं करा है क्योंकि 2 दिन का जो है गाइज रक्षाबंधन का सीन हो गया, तो जिस वजह से मैं वर्कआउट नहीं कर पाई हूँ। लेकिन हाँ, 31 को आप लोगों के पास मेरा व्लॉग ज़रूर आएगा डे 8 का, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 1 सितंबर से जो अपना वर्कआउट स्टार्ट करूंगी, जो कि हमारा डे 9 उसमें कैलकुलेट होगा। क्योंकि एंड गाइज मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि रक्षाबंधन है तो मैं अपना जो भी मुझे खाना होगा मैं सब खाऊंगी, लेकिन क्या करूंगी, सिर्फ पोर्शन कंट्रोल रखूंगी एंड क्वांटिटी देखूंगी, ठीक है, कि मुझे कितना खाना है। ये नहीं मैं ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करूंगी, अनटिल एंड अनलेस जब तक मुझे ये नहीं फील होगा कि अब मेरा पेट भर गया। क्या होता है एंड गाइज, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, जब भी आप वर्कआउट करते हो सो प्लीज़ उस टाइम पर अपने गैजेट्स जैसे फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप, ये सब बिल्कुल मत देखना। उस चक्कर में आप जो है ओवर ईटिंग कर लेते हो, उस वजह से ही आपका टमी ज़्यादा फुल हो जाता है एंड आप उसके बाद में सोचते हो कि यार मेरा वेट बढ़ गया। तो ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है आपके वेट बढ़ने के लिए। तो आप कभी भी गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ खाना खाएं अपना, और उससे क्या होगा कि आपको पता होगा। एंड खाना खाने से थोड़ी देर पहले जो है आप 1-1.5 ग्लास पानी पी लो, तो उससे क्या होगा कि आपकी ज़्यादा भूख जो आपको लगी थी वो मर जाएगी एंड आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस जो हम फॉलो कर सकते हैं अपने वेट कम करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका वेट मेंटेन भी रहेगा, लॉस भी होगा, जिसको लूज़ करना है उसका लूज़ होगा एंड जिसको मेंटेन करना है उसका मेंटेन रहेगा। तो यस गाइज, आप रिफाइंड फ्लावर छोड़ दो, ठीक है, एंड रिफाइंड शुगर छोड़ दो, फ्राइड फूड छोड़ दो, ये सारी चीज़ें अवॉइड करो, आपका वेट ऑटोमेटिकली कम होगा। एंड लेकिन 30-35 मिनट्स का वर्कआउट आपने रेगुलर करना है, डेली करना है। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है कि समटाइम्स जैसे हो जाता है हमें टाइम नहीं मिल पाता, हम किसी अदर वर्क में जो है बिजी हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप छोड़ सकते हो। बट यस, मैं सिर्फ संडे एक अवॉइड करती हूँ वर्कआउट, बिकॉज संडे मेरा एक तो चीट डे भी होता है कुछ ना कुछ। मैं हम लोग क्योंकि बाहर आउटिंग करते हैं तो खा लेते हैं एंड वर्कआउट करने का मन भी नहीं करता। संडे को मैं अपने आप अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखती हूँ एंड मंडे टू सैटरडे मैं वर्कआउट करती हूँ।
तो ये मेरा वर्कआउट का भी जर्नी चल रहा है, वेट लॉस का जर्नी चल रहा है। जो भी फॉलो करना चाहते हैं प्लीज़ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको डेली मेरा न्यू न्यू वर्कआउट देखने को मिले एंड आप मेरी वेट लॉस जर्नी को अपने साथ इंजॉय कर सके। एंड आप लोग गाइस जो भी मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज वो घर पे करो, ज़रूरी नहीं आप जिम जाकर अपना वेट लॉस करोगे। इक्विपमेंट्स रखो, डंबल, योगा मैट एंड स्किपिंग रोप रखो, ये जो जो चीज़ें अननेसेसरी होती हैं वो सब रखो, जिम जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। बिकॉज गाइज आई एम अ मदर ऑफ टू किड्स, ठीक है, बीइंग अ मदर ऑफ टू किड्स मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं पहले रेडी होकर बाहर जाऊँ फिर वर्कआउट करूँ, क्योंकि आने जाने में ही हमारा कम से कम आधे से पौने घंटा लग जाता है, 30 to 35 minutes, 45 minutes, तो वो फिर बिल्कुल यूजलेस हो जाता है एंड वर्थ नहीं होता है। तो इसलिए मैंने अपना घर पे ही वर्कआउट स्टार्ट करा है एंड गाइस घर पे ही करते करते 5 months से मैंने 13 kgs वेट लॉस किया है, तो आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं। एंड बींग अ सी सेक्शन मॉम गाइस बहुत डिफिकल्ट होता है देखो, क्योंकि 3 months तक तो डॉक्टर ही मना कर देते हैं, लेकिन आप चाहे तो अपनी बॉडी को अच्छे से रेस्ट दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप 3 months के बाद तुरंत जो है वर्कआउट स्टार्ट करो। अगर आपकी बॉडी अलाउ करी तो वेल एंड गुड, नहीं करी तो आप अच्छे से अपनी बॉडी को पहले रिकवर होने दो, उसके बाद ही वर्कआउट स्टार्ट करो। तो मैंने तो इस बार यही करा है, मैंने अपनी बॉडी को अच्छे से रिकवर करा है एंड उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करा है, तो 5 months में 13 kgs मैंने वेट लॉस कर लिया है। तो फिर आप इन्जॉय करो मेरे ब्लॉग को एंड देखो मेरा वर्कआउट, इसको फॉलो ज़रूर करना अगर वेट लॉस करना है आपने। एंड स्पेशली गाइस अगर आप सी सेक्शन मॉम हो तो बिल्कुल भी घबराना मत, आप ये सारे जो भी मैं वर्कआउट्स कर रही हूँ ये बिल्कुल सेफ है, ये सारी एक्सरसाइजेस जो हैं बिल्कुल सेफ है। एंड जो भी मैं आपको डाइट शेयर कर रही हूँ गाइस वो मैं खुद घर पे बनाती हूँ, जो मैं फैमिली के लिए बनाती हूँ वही मैं खा रही हूँ, और समटाइम्स मैं कुछ अपना डिफरेंट बनाती हूँ तो वो खाती हूँ, लेकिन मैं घर का ही खाना खा रही हूँ। बाहर का वंस इन अ वाइल हो जाता है, वो भी मैं पोर्शन एंड क्वांटिटी कंट्रोल करके खाती हूँ, ठीक है। तो गाइज ये सब है जो आपको फॉलो करना है, ये सारी चीज़ों को अपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वेट लॉस के टाइम पे। एंड सो चलिए फिर आप बने रहे मेरे ब्लॉग में एंड एंजॉय करो मेरा वर्कआउट। चलिए देखते हैं डे 8 में मैंने क्या क्या अपनी डाइट में फॉलो करा। मॉर्निंग में 2 glass नॉर्मल वाटर पीने के बाद ल्यूकोम वाटर लिया, कुछ सोल्ट एलिमेंट्स ली, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में विदाउट जैगरी चाय ली एंड साथ में लिया वर्मासेली, वेजिटेबल वर्मासेली। वर्मासेली काफ़ी अच्छा सोर्स होता है गाइज, आपके वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल रहता है एंड बहुत ही हेल्दी होता है वर्मासेली। सो उसके बाद मैंने लंच में जो है बिल्कुल भी मुझे रोटी खाने का मन नहीं था, भूख बिल्कुल मुझे लग ही नहीं रही थी बिकॉज मैंने वाटर इनटेक इतना ज़्यादा रखा है ना गाइस, तो इसलिए मैंने कुछ क्यूकम्बर एंड साथ में एप्पल खा लिए थे। एंड इवनिंग में जो है मैंने बॉइल्ड वर्मासेली को दोबारा से वेजिटेबल में तड़का लगा के बना लिया था। एंड इवनिंग चाय में जो है मैंने थोड़ी सी जैगरी डाली थी, यहाँ पे कुछ एक्चुअली मुझे दिख रहा था तो वो बस मैंने निकाला, कुछ ब्लैक ब्लैक था तो इवनिंग में ये खाया। एंड रात में जो है मैंने ये स्प्राउट्स बनाए थे घर पे ही, तो ये अच्छे से खिले खिले
हो कितने अच्छे स्प्राउट्स बन गए हैं, तो आप इस तरीके से जस्ट स्प्राउट्स बना सकते हो गाइज। ये बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत अच्छा इसमें जो है प्रोटीन होता है। तो घर पे ही बस मैंने ये बनाई एंड नाइट में मैंने डिनर में जो है इस तरीके से जो है स्प्राउट्स खाए। तो आई होप यू लाइक इट। सो अगर आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय।